पिताजी। पिताजी अपना ही श्राद्ध कर रहे हैं। सती पिताजी को रोक लो। सती पिताजी ये सब क्या है? श्राद्ध विधि अनुसार होना चाहिए। किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा मेरा और स्वयंभू मनुपुत्री प्रसूति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और किस लिए? नहीं पुत्री, अपने आंसू पोंछ लो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, किंतु अपनी पुत्री को शिव के लिए जीवन व्यर्थ करते हुए देखना ये मेरे लिए संभव नहीं है पुत्री। इसीलिए मैं और तुम्हारी मां दोनों जल समाधि लेकर इस जीवन से मुक्ति पा रहे हैं। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। सरस्वती तट पर चलते हैं। पिताजी, मां, मां, जाओ जाके रोक लो उन्हें। सती, समय नष्ट मत करो, जाओ जाके मां और पिताजी को रोको, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देंगे। सती जाओ, जाओ सती, रोको उन्हें, रोको।
पिताजी, 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 रुकिए तो, माँ, माँ, माँ रुकिए, माँ रुक जाइए, माँ, पिताजी मेरी बात न सुनिए, पिताजी रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। किस बात का इतना बड़ा दंड दे रहे हैं आप? एक संतान के लिए इससे बड़ा पाप और क्या है कि वो उसके माता पिता की मृत्यु का कारण बने? पिताजी ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। इसे मृत्यु मत कहो सती, ये तो जल्द समाधि है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तो पाप का प्रश्न ही नहीं उठता है। पुत्रियों का सुख मेरे जीवन का उद्देश्य रहा और अब वो कार्य पूरा हो चुका है। सभी पुत्रियों का विवाह संपन्न हो चुका है। तुम्हें अपने सुख और प्रेम की अनुभूति हो चुकी है। इसके पश्चात हमारे इस जीवन काल में और कार्य कोई नहीं रह जाता। ना ही हमारी कोई आवश्यकता है। जहां आवश्यकता ना हो वहां रहना ही क्यों? नहीं पुत्री, तुम्हें अपने आप को समझाना होगा। मैं और तुम्हारी मां अपनी मंशा के लिए तुम्हें तुम्हारे सुख और तुम्हारे प्रेम से दूर नहीं कर सकते। हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला है। न जाने कितनी रात ये तुम्हारे लिए जागती रही। तुम्हें तनिक भी पीड़ा होती थी तो ये विचलित हो जाती थी। मैं जब भी प्रार्थना करता था सदैव उसमें तुम्हारे सुख की कामना सम्मिलित रहती थी। आज जब तुम पीड़ा में हो, दुखी हो, तो हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए क्यों कह रहे हैं? स्वार्थ है हमारा। नहीं नहीं, ऐसा मत कही, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु सत्य यही है सती, हम स्वार्थी हो गए। अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान की पूर्ति के लिए, अपनी पुत्री के सुखों का बलिदान देने वाले कैसे ब्राह्मण हैं हम? जाओ सती जाओ, तुम्हारा स्वप्न और तुम्हारा जीवन सुख से परिपूर्ण हो, यही आशीर्वाद है हमारा। पुत्री तुम दक्षायनी हो और अपने निर्णय पर अटल रहना ही दक्षायनी का प्रमाण है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने माता पिता या सामाजिक बंधनों के दबाव में आकर कोई निर्णय लो। तुम्हारा स्वच्छंद भाव ही तुम्हारा अस्तित्व है, इसे खोना नहीं।
चलो मुस्कुराते हुए हमें विदा कहो ताकि हमारी आत्मा को मुक्ति मिले। पिताजी। और ईश्वर के चरणों में स्थान मिले। मुस्कुराओ पुत्री, क्या अंतिम क्षणों में अपने पिता की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करोगी? पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए पिताजी, आप क्या कर रहे हैं पिताजी? दीदी, दीदी पिताजी को रोक लीजिए ना, दीदी पिताजी को रोक लीजिए, दीदी देखिए ना, आप तो इनको रोक लीजिए, इस अनर्थ को रोक लीजिए दीदी, इन्हें रोकिए ना, मरती इन्हें रोकिए, रोक लीजिए उन्हें, कुछ तो कीजिए, रोकिए ना पिताजी को। तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारे माता पिता प्राणों का त्याग करें, उन्हें और कोई कैसे रोक सकता है? सती, सती, अपने हक के कारण अपने माता पिता की आहुति तो मत दो। सती, तुम ही उन्हें रोक सकती हो, तुम ही उनका निर्णय बदल सकती हो। सती, पिताजी जिनसे तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं, स्वीकार कर लो सती, उन्होंने सदैव तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति की है, तुम उनकी एक इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती। उन्होंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा सती, क्या तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि तुम अपनी हट ना त्याग कर उन्हें इस तरह समाधि लेता देखो? लिया हुआ निर्णय कभी फलदायक नहीं होता है। नहीं पिताजी, नहीं, कोई दबाव नहीं, मैं सचमुच तैयार हूं। तुम अपनी वाणी से जो कह रही हो क्या वो सत्य है? जी प्रजापति। तो संकल्प करो, संकल्प करो कि विवाह उससे करोगी जिससे मैं चाहूं। ये संकल्प यदि तुम अपनी इच्छा से नहीं कर सकती तो हमें जल्द समाधि लेने दो।
संकल्प लेती हूँ, मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे आप चाहेंगे। आपकी इच्छा के अनुसार, आपके आशीर्वाद के साथ। सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। मैं ही मूर्ख थी जो आपकी कृपा दृष्टि को आपका प्रेम समझ बैठी। मेरे और मेरे पिताजी के बीच आने का आपको कोई अधिकार नहीं। अपने लिए अयोग्य बताकर आपने मेरा जो अपमान किया है, उसके पश्चात आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सती ने दक्ष को वचन देकर कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, परंतु सती शिव के सिवा किसी और से विवाह कैसे कर सकती है? स्वामी, आपको कोई उपाय तो करना होगा। उपाय तो वही पुराना है। शिव ने सती को हर संकट से बचाया, सदैव उनकी रक्षा की, तो कदाचित एक बड़ा संकट ही शिव को सती से पुनः मिलवाएगा। अर्थात आप किसी बड़े संकट के निर्माण की योजना तो नहीं बना रहे हैं प्रभु? देवर्षि, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कई वर्ष पूर्व स्वयं महादेव ने इसका निर्माण कर दिया है। आप किस संकट की बात कर रहे हैं स्वामी? और वो भी ऐसा संकट जो स्वयं महादेव ने निर्माण किया हो। तो प्रभु, महादेव तो सदा कल्याण करते हैं। आप मन ही मन में मुस्कुराते रहेंगे या हमें खुलकर बताएंगे? बेटी, आपने सही कहा देवर्षि, महादेव सदैव कल्याण करते हैं, तो फिर उन्होंने बड़े संकट का निर्माण कैसे कर दिया? कदाचित आप ये भूल रहे हैं देवर्षि, महादेव भोलेनाथ भी तो हैं, और अपने भोलेपन में ही गए थे वो कल्याण करने, किंतु कर आए एक संकट का निर्माण। उस संकट का नाम है राक्षस तारकासुर। तारकासुर ने कई वर्ष पूर्व महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक घोर तप किया।
प्रभु प्रभु। प्रभु प्रभु मैं जानता था आप ही असुरों के शुभ चिंतक। प्रभु मैंने पूरी लगन से आपकी तपस्या की है, सारी आसुरी प्रवृत्तियां छोड़कर बिना कुछ खाए पिए सैकड़ों वर्षों से केवल आप ही के नाम का जाप कर रहा हूं प्रभु। ओम नमः शिवाय प्रभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो तारकासुर। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। मांगो, जो वरदान चाहिए मांगो। जय हो प्रभु, जय हो। मैं जानता था प्रभु आप दयालु हैं, कृपालु हैं। मैं जानता था प्रभु मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप मुझे वरदान देने अवश्य आएंगे। और प्रभु संसार में ऐसा कौन सा वरदान है जो आप नहीं दे सकते? परंतु प्रभु मैं लोभी नहीं हूं। प्रभु मुझे अमृतत्व का वरदान दे दीजिए ताकि मेरी मृत्यु ना हो। यदि इस संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित है तारकासुर, यही सृष्टि का नियम है। तुम कोई और वरदान मांग लो। प्रभु यदि सृष्टि का नियम है और मेरी मृत्यु अनिवार्य है पर आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है प्रभु, आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल आपके पुत्र के द्वारा हो। यह वरदान तो दे सकते हैं ना प्रभु? तथास्तु। यही तारकासुर बड़ा संकट बनके शिव और सती के मिलन का कारण बनेगा। देवर्षि बस तारकासुर को पता चलने की देर है कि शिव सती से विवाह करने वाले नारायण नारायण। प्रभु इसके आगे का कार्य कैसे संपन्न करना है यह मेरा उत्तरदायित्व है। मैं चला संसार का उद्धार करने। नारायण 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 नारायण। We'll be right back.
क्या कर रही हो सती? कुछ अनावश्यक वस्तुएं हैं, उन्हें हटा रही हूं। क्या? पर क्यों? तुमने तो नंदा व्रत पूरा करने का संकल्प लिया था ना? स्वार्थी बन गई थी मैं, किंतु अब नहीं, कदापि नहीं। का अर्थ जानती हो तुम? तुम्हारा और शिव का मिलन असंभव हो जाएगा। पर क्यों कर रही हो? मैं अपने दायित्व से भटक गई थी, किंतु आज पिताजी के समक्ष संकल्प लेकर मैं वचनबद्ध हूं। मैंने पहले भी पिताजी को वचन देकर नहीं निभाया, अपमानित किया था उन्हें, अब मैं उन्हें पुनः अपमानित नहीं कर सकती। ये तुम्हारा हट है सती? नहीं दीदी, ये मेरा सत्य है, यही तो मेरा अस्तित्व है। मैं दक्षायणी जन्मी, मैं अपने पिता की आदर्श पुत्री और उसी आदर्श पुत्री के रूप में मेरा अंत भी होना चाहिए।